Assalamualaikum everyone, welcome to Dalma Studios. आज हम आपके लिए लाए हैं गोल्डन एरा फोन्स में से ये नोकिया 7610 जो कि रेट्रो फोन में से ये एक फोन है और काफी जबरदस्त सा ये इसका लुक है। आप देख सकते हैं एक लीफ शेप के ऊपर ये इसको बनाया गया है, इसको कुछ एस शेप भी कहते थे लोग। और इसकी जो ये लॉन्चिंग थी तकरीबन 2004 के अंदर, ये मार्च 2004 के अंदर ये लॉन्च हुआ, ये आया फोन। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये 118 ग्राम इसका वेट है। अगर आप इसके लुक्स देख सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में जो है नोकिया ने ये वाला फ़ोन लॉन्च किया था मार्केट के अंदर, काफ़ी खूबसूरत सा सेट था। पीछे भी जो है सिल्वर का इन्होंने इसमें कलर शेड दिया हुआ है और डिफरेंट जो है इसमें पीछे जो है लीफ के पत्तों और डिफरेंट टेक्सचर जो है पीछे डाला गया है। और आप बाकी कैमरे के इर्द गिर्द सराउंडिंग पे उसके अलावा फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे जो है सिल्वर और रेड जो है ना उसका कॉम्बो दिया गया है फ्रंट पे ही, जिस वजह से जो है ये फ़ोन काफ़ी एक यूनिक लुक दे रहा था। और इसके अलावा इसकी जो साइड की जो ये एजेस इन्होंने निकाली हैं ये काफ़ी डिफरेंट लुक दी थी। और इसके अलावा अगर हम इसकी स्क्रीन साइज़ की बात करें डिस्प्ले में तो इसका 2.1 इंचेस का जो है इसका स्क्रीन साइज़ है जो कि 176x208 पिक्सल्स को ये सपोर्ट करता है, इसकी रेजोल्यूशन है। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें भी सिम्बियन जो है 7.0 ऐसी है जो कि मोस्टली जो है नोकिया अपने फ़ोन्स में जो है सिम्बियन ही यूज़ करता हुआ आया है फीचर्स फ़ोन में। उसके अलावा अगर हम मेमोरी की बात करें जो इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 8 MB थी और इसमें जो है जो कार्ड जो लगता था वो MMC कार्ड था जो कि आप लोगों को पता है कि 6100 में भी जो है वही वाला कार्ड जो बड़े साइज़ के आते थे, तो इसमें जो है 64 MB का जो है वो लग सकता है। उसके अलावा जो है आप 10 मिनट्स की जो है वीडियो क्लिप्स भी आप इसमें बना सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें बैक साइड अगर हम देखें तो बैक साइड पर ऊपर मेरे पास यहाँ पर कैमरा है जो कि 1 MP का यहाँ पर कैमरा सपोर्ट करता है। उसके अलावा इससे वीडियो भी शूट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है हमारे पास स्पीकर्स भी मौजूद हैं। अगर हम इसके ऑडियो जैक की बात करें तो इसमें 2.5 mm का इसमें ऑडियो जैक है। चार्जिंग का इसका जो चार्जर था वो काफ़ी डिफरेंट चार्जर था और मतलब कि एक नॉर्मल मोटी पिन वाले आते थे वो नहीं था, मतलब इसका काफ़ी जो है सेपरेट जो है इसका एक चार्जर आया था। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी के इसमें जो है MP3 प्लेयर भी मौजूद था, इसमें प्रिडिक्टिव टैक्स इनपुट भी इसमें था, इसमें ऑर्गेनाइजर भी था कि मतलब कैलेंडर ऑर्गेनाइजर की इसमें भी ये फीचर्स मौजूद थे। उसके अलावा जो है इसमें इसका अपना एक्सप्रेस ऑन स्टाइल पैक्स डिफरेंट काफ़ी सारे इसमें मौजूद थे। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है इसमें 900 mAh की इसमें बैटरी थी जो कि स्टैंड बाय के ऊपर 250 आवर्स का इसमें आपको टाइम देती थी। उसके अलावा अगर आप टॉक टाइम की बात करें तो आप 2-3 आवर्स तक का ये आपको सपोर्ट करती थी इसमें टाइमिंग जो नोकिया अपना दावा करता है। तो ये अगर हम इसकी ओवरऑल पैकेज की बात करें तो ये फ़ोन अपनी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से नोकिया एज नोन इज फॉर द बिल्ड क्वालिटी, अपने फीचर्स जो लाता था वो अपने फीचर्स फ़ोन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लाता था और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही फिनोमिनल शेप्स, हर दफ़ा अलग, हर दफ़ा यूनिक, हर दफ़ा कुछ ना कुछ अलग करता रहता था जिसकी वजह से जो कस्टमर्स थे उनके वो काफ़ी इंगेज रहते थे और हर दफ़ा जो नोकिया का जो आने वाला सेट होता वो काफ़ी उसकी तरफ मुतवज्जो होते थे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसके यूज़र रहे होंगे नोकिया 7610 के। अगर आपने इसको फ़ोन को यूज़ किया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप आने वाली इस गोल्डन एरा फोन से रिलेटेड जितनी भी पुराने फोन्स की हमारी जो भी रिव्यू वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।